Hey everyone, welcome back to my YouTube channel The Maya's Hindi. आज की वीडियो में गाइस मैं आपको Biotrex ब्रांड के फाइबर टैबलेट के बारे में रिव्यू दूंगी. इसके बारे में बताऊंगी कि ये टैबलेट आपके बॉडी को, आपके शरीर को किस तरीके से फायदा देती है. डिटेल में गाइस आज अपन इसका रिव्यू करेंगे, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, यूजेस, प्राइस, डोज इन सब के बारे में. तो गाइस यदि आप अपने पाचन शक्ति को मजबूत बनाना चाहते हैं, GI इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, शरीर को हेल्थी और स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और इम्पोर्टेंट होने वाली है. तो पूरी वीडियो को देखना ना भूलें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे. तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के ऊपर बात कर लेते हैं Biotrex ब्रांड के फाइबर टैबलेट के बारे में, जिसकी पैकेजिंग के अंदर गए 60 टैबलेट प्रेजेंट है, जिसका उपयोग आपके GI इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में किया जाता है, आपके पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है, पेट से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने में मदद करेगा. इंग्रीडियंट के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें कोई भी ऐसा हार्मफुल केमिकल नहीं है जो आपके शरीर को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचाए. इसके अंदर इंग्रीडियंट के रूप में है डायट्री फाइबर है जो कि 0.50 ग्राम है, फैट इसके अंदर 0.004 ग्राम, प्रोटीन 0.014 ग्राम और इनुलिन है इसके अंदर 250 mg. और भी गाइस काफी सारे इंग्रेडिएंट हैं जो कि आपके शरीर के लिए अच्छे होते हैं, आपके बॉडी को हेल्थी बनाए रखते हैं, पाचन शक्ति को मजबूत बनाए रखने में मदद करेंगे. डोज की बात करें तो डेली अपन को एक कैप्सूल लेना है, एक टैबलेट लेनी है. कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो गाइस एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि किस तरीके से सेवन करना है, किस तरीके से नहीं करना, क्योंकि गाइस हर किसी की बॉडी स्थिति अलग अलग होती है, मेडिकल स्थिति अलग अलग होती है, किसी को फायदा देती है तो किसी को नुकसान भी कर सकती है. इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, ना ही आप इसे ओवर डोजेस ले. अगर आप पहले से किसी बीमारी से सफर कर रहे हैं तब भी आपको इसे डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना इस्तेमाल में बिल्कुल भी नहीं लेना. प्राइस की बात करें तो गाइस इसका प्राइस कोई फिक्स नहीं है, टाइम के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे भी होता रहता है. इसके जो 60 टैबलेट है वो आपको 810 रुपए में मिलेंगे, जिसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, मार्केट से परचेज कर सकते हैं, जैसा भी दोस्तों आपको सही लगे आप इसे वहां से खरीद सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है. मैं तो गाइस आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जहां भी आपको सस्ता अफोर्डेबल मिले आप इसे वहीं से परचेज करें. वैसे तो गाइस हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस प्रोडक्ट का लिंक मेंशन कर रखा है, अगर आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके भी इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं. याद रखें गाइस, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करें तो सबसे पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट आप जरूर चेक कर लें. कुछ लोग गाइस एक्सपायरी डेट देखे बिना ही प्रोडक्ट को परचेज तो कर लेते हैं, फिर उसका इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें साइड इफेक्ट होने लगते हैं. इसका मेन रीजन ये है कि आपने एक एक्सपायरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है तो ऑब्वियसली बात है गाइस उसका साइड इफेक्ट तो होना ही होना है. तो हमेशा ध्यान रखना है कि हाँ, जो भी प्रोडक्ट परचेज करे तो सबसे पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट तो अपन को चेक करनी ही करनी है. अमेजिंग प्रोडक्ट है गाइस जो कि आपके पाचन शक्ति को मजबूत बनाएगा, शरीर को हेल्थी और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेगा. लेकिन गाइस आपको ओवर डोजेस नहीं लेना है, नहीं डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना इसका इस्तेमाल करना है. और अगर आप प्रेगनेंसी की अवस्था में हैं तब तो किसी भी कंडीशन में कोई भी दवा या टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना कभी भी नहीं करना चाहिए. सो गाइस आज की वीडियो में बस आपको इतना ही बताना चाहूंगी. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो के अपडेट मिलती रहे, नई नई जानकारियां मिलती रहे. और गाइस बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए, जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहे और उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपका कंफ्यूजन दूर होता रहे. फिर भी गाइस यदि आपको इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या किसी अदर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की कोई जानकारी जाननी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, आपकी सहायता जरूर करेंगे. सो गाइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. धन्यवाद.